तो हेलो, क्या हाल चाल है? होप से आप बढ़िया। तो गाइस, आ चुका हूँ एक न्यू गेम प्ले के साथ पबजी मोबाइल लाइट की। और इस बार गेम प्ले क्या होता है कि शुरू में मेरी जो सारे के सारे टीममेट पर रहता है, बट गेम जब एंड हो जाता है तो भाई एक भी बंदा नहीं बचता, मैं अकेला बचता। और अकेले ने भाई चिकन डिनर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो तो देखने के बाद है। फिलहाल सारे के सारे टीममेट तो जा चुका है, सामने एक स्क्वाड था, शायद मेरे को किल नहीं मिलने वाला यहाँ पे। मैं शायद बौखला गया था अपने टीममेट के ऊपर स्प्रे दिया, तभी मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है। और ये जो बंदा था ना अपने टीममेट के ऊपर काफी खतरनाक वाला हमला किया था, बट फाइनली यहाँ पे तीन बंदे ने मिलके हमने उसको पेल देता हूँ। फिलहाल वहाँ से हम निकल के आ जाते हैं थोड़े बहुत लूट वूट करके ये वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप पड़ी थी, मतलब फिलियत चलाया था सामने स्क्वाड ने और ड्रॉप आने ही वाला है यहाँ पे, तो मैं भी आ जाता हूँ यहाँ पे। बाकी मेरी जो टीम वो पीछे पीछे आ रहा था, एंड जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है ये वाले ड्रम के पास। मैं यहाँ पे इसको ओपन करके देखता हूँ, बट वो एक बॉट था और मारने के लिए यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं मिल रहा था, तो वो निकल जाता है। एंड तभी सामने मुझे ये वाला स्पॉट होता है जिसको मैंने नॉक कर देता हूँ, बट टॉप यहाँ पे अभी अभी पड़ रहा था। और मतलब भाई साहब को कोई मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पीछे स्क्वाड आया है उसको पहले तो ड्रॉप ही लूटना है चले, तो उसको मैंने नॉक किया, फ़ौरन ऊपर जाने की कोशिश किया, तभी मेरे को यहाँ में यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है। तो याद रखना यहाँ पे मैंने तीन बंदे को आते आते नॉक कर चुका था। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मतलब ग्रेनाइट करने की सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को एक फुटस्टेप दिख रहा था और मैं सोच रहा था कि वो वाली फुटस्टेप जो है मेरे ऊपर ही आ रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने एक नेट कर दे दो। बट यहाँ से नेट पर तुम नोटिस करो एक बंदा नॉक भी हो जाता है, बट वो कौन नॉक हुआ था वो मेरे को नहीं पता। सो फिलहाल नीचे कमेंट करके बताना अगर तुम्हें पता हुआ तो। सो सबसे पहले तो मैं अपने हेल्थ ठीक कर लेता हूँ और फ़ौरन आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने तीन बंदे को नॉक किया था। इसकी आखिरी टीममेट अगर इन लोगों को रिवाइव दे देगा तो मेरे लिए बाद में मुश्किल हो सकता था हम लोगों के लिए। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आता हूँ, बट एक बंदा जो ऊपर नॉक ही था, एंड तभी मैं पीछे इस साइड देखने के लिए आता हूँ, क्योंकि इस साइड भी मैंने दो दो बंदे को नॉक किया था, बट तभी मेरे को यहाँ पर दो बंदे की किल मिल जाता है और ये था तीसरा बंदा। तो तीन बंदे को मैंने नॉक किया था, तीनों की किल मिल जाता है, बट यहाँ पे भी मेरे को एक फुटस्टेप आ रहा था और पीछे से मेरे को एक हल्का सा स्प्रे आता है जिससे कि मैं थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। सो दैट्स व्हाई मैं फ़ौरन ऊपर आता हूँ और यहाँ पे तो मिनी मैप नोटिस करो तो पीछे की साइड जिस साइड से हम लोग आए थे उस साइड और एक स्क्वाड ने आ रखा, तो वहाँ पे एक स्क्वाड आके भाई रश कर चुका था यहाँ पे। फिलहाल एक मिनी मैप से फुटस्टेप से मैं डर रहा था, बट यहाँ पे एक नॉकी बंदा था जिसको मैंने ऑलरेडी नॉक करके रखा था, तो यहाँ पे चार बंदे की किल हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिस बंदे को शायद नेड से एक बंदा नॉक हो गया था। फ़ौरन सामने बंदा था मेरी जो टीममेट शायद उन लोगों के साथ लड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैंक कर जाते और बिल्कुल उस बंदे के पीछे से सरप्राइज अटैक करेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं आ जाता हूँ इस साइड पर और यहाँ पर आके मेरे को सामने की साइड से कुछ गन की साउंड दिख रहा था और मेरी जो टीममेट था वो राइट की साइड पर था, तो देखते हैं। और इस पीछे अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल के आइकन है उसे भी क्लिक कर देना, तो इसी तरह वीडियो तुम्हें हर दिन मिलेंगे। तो तभी मेरे को यहाँ पर ये वाला स्पॉट होता है और ये बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट हो जाता है जो भाई लेट के फायर दे रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक किया। फ़ौरन वहाँ पे मेरे को एक ही बंदा दिखता है, बाकी और एक टीममेट वगैरह दिखता नहीं, तो मैं कंफर्म करने के लिए आ जाता हूँ, बट यहाँ पे आती मेरे को एक और एक बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे और इतने देर में तो भाई स्मोक भी हो जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे मेरे पास नेट भी नहीं था, तो एक फ्लैश था जो मैं कर देता हूँ, शायद बंदा डर के मारे बाहर आए, बट यहाँ पे कोई नाम निशान भी नहीं था बाहर आने की। सो अभी मैं मौका की तलाश कर रहा था कि बाहर थोड़ी बहुत मुंडी दिखे तो मैं खोल दूंगा, और तभी यहाँ पे ये बंदा दिखता है।
और फाइनली गाइस इन दोनों की पेटी यहाँ पे बना दी। सो आई होप आप लोगों को बढ़िया लगो, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। सबसे पहले तो मैं इन लोगों को थोड़ा बहुत लूटने की कोशिश करता हूँ, बट इनके पास मेरे को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बैंडेज ही पड़ी थी। और जोन भी स्टार्ट हो जाता है, बाकी मेरी एक टीममेट बच रहा था जिसको भाई सामने नॉक कर चुका था। अब मेरी ऐसे हालत में मैंने सोचा कि इसको रिवाइव देने जाऊँ तो मेरा फेट ही बनना ज़रूरी है। सो दैट्स मैंने सोचा रश करके इन लोगों को मारने की ट्राई करते हैं। और तभी मुझे सामने ये बंदा मिला जिसको मैंने नॉक कर दे, तो बट मेरी यहाँ पे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन था तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव नहीं देता क्योंकि मारने की कोशिश करता हूँ। ओके, बाकी यहाँ पे मेरी काम आसान हो चुका था। मेरी टीममेट ने एक बंदे को नॉक किया था, बाकी दो बंदे को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, तो एंड तीन बंदा यहाँ पे था जिसकी पेटी बन जाता है। तो गाइस ये वाला क्लैश अगर तुम्हें बढ़िया लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। फाइनली इन लोगों के पास से मेरे को एक हेल्थ किट तो मिल जाता है, एटलीस्ट मैं उसे लगा लेता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ से पड़ी थी गाड़ी, तो यहाँ से हम निकलने की सोच रहे थे क्योंकि भाई जोन काफ़ी दूर था, बट फाइनली हमें चिकन डिनर मिल जाता है। वो लास्ट बंदा जोन पे पड़ के मर गया था। सो मैं एक दूसरा गेम प्ले स्टार्ट करते हो और ये वाला गेम मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस डुओ। तो यहाँ पे आते हैं, मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है जो अभी अभी लैंड किया, बट इस बंदे को कुछ नहीं मिला था और मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, मिला तो सिर्फ यहाँ पे बैरल जिससे कि मैं इस बंदे को नॉक कर दे। तो फिलहाल नीचे और एक बंदा मेरे साथ ही आ रहा था, मेरे पीछे लैंड किया था, वो शायद सामने घरों में जाने की कोशिश करेगा। और हाँ, शायद बंदे को मैंने स्पॉट कर लिया था यहाँ पे। और इसको मैंने यहाँ पे काफ़ी मारने की कोशिश करता हूँ, बट फाइनली उस बंदे की पेटी तो यहाँ पे बन जाता है। बट क्या ना, इसी घर पे और एक बंदा था जो शायद उसकी टीममेट है और वो बंदा मेरे को पीछे से डैमेज करने की कोशिश करता है। फिलहाल यहाँ पे जो बंदे को मैंने नॉक किया था वो बंदा भी यहाँ पे, इसको मैंने छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई ज़्यादा एमो नहीं था मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 21 एमो था जिससे कि मैंने उस बंदे को नॉक किया वहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे 4 ही एमो है जिससे कि इस बंदे को फिनिश करना पड़ेगा। सो दैट्स पे यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा ये वाली बंदे के पास से अगर थोड़े बहुत एमो मिल जाएगा तो उस बंदे को मैं फिनिश कर सकता हूँ यहाँ पे। तो दैट्स पे मैं यहाँ पे आ चूँ, बट इस बंदे को तो कुछ मिला ही नहीं था। सो यहाँ पे 4 बुलेट था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, बट ये तो ख़त्म हो जा। बट मेरे पास था पिस्टल जिससे कि मैंने इस बंदे को फाइनली पेटी बना दे। तो होप गाइस बढ़िया लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना। सबसे पहले तो गार्ड लेके मार जो थी ये वाली जगह पे, और छत के ऊपर था दो दो बंदे और यहाँ पे उतरते मेरे हेल्थ देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो मैंने सोचा एक नेट ट्राई करते, बट शायद नेट यहाँ से दूर ही जा चुका था, तो मेरे पास एस्ट्रॉल के था, मैंने सोचा सीधा घुस के मारेंगे। और बंदा जो है एस्ट्रॉल की साउंड सुन के नीचे कूद गया। वैसे बंदे के पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी तगड़ी लूट भी था क्योंकि ड्रॉप लूट रखी थी। ये जो बंदा आया था ना ऊपर, इसके पास तगड़ा लूट था, और नीचे जो बंदा था वो तो सिर्फ भाई गेली सूटी उठाया था शायद। सो दैट्स पे वो नीचे कूद जाता है, बट नेट से उस बंदे की पेटी सीढ़ी पे बन गया था और इस टॉल के से मैंने इसको यहाँ पे बजा दी। और बंदे के पास यहाँ पे देखो भाई M249 और AWM जो मैं उठा के आ जाता हूँ। और यहाँ पर भी एक स्क्वाड था जो भाई फ्लेयर चलाया था। तो सामने मेरे को घरों के अंदर एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैंने सोचा चलो एक शॉट चिपका था इसको, बट क्या हुआ मुझे नहीं पता लिटरली। और इसकी और एक टीममेट यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप लूटने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक नेट ट्राई करने की सोचती हूँ ताकि बंदा ड्रॉप लूटेगा तो नेट से डैमेज हो जाएगा, बट चलो। तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया तो बंदा यहाँ पे ड्रॉप लूट के आया था अच्छी खासी। और अभी अभी शायद इसको AWM मिला था, बट चलाने के मौका भी इसको नहीं मिला। तो फटाफट इसको मैंने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया। तो बट इसकी जो बाकी की टीममेट था वो घर के अंदर ही था, मैंने सोचा चलो एक चंपा शॉट मारेंगे इसको, और एक शॉट तो कनेक्ट हो जाता है बट उसकी गर्दन पर लगी थी और दोबारा वो कभी भी अपनी मुंडी नहीं दिखाएगा। सो मैंने यहाँ पे अपने हेल्थ ठीक कर ले तो सबसे पहले, और पीछे भी देखने की कोशिश करता था कि आपके भाई पीछे से कोई आके ना मेरे को बजा दे।
बट यहाँ पे उस बंदे को वो तो पिक अपने माथा नहीं दिखा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत एंगल चेंज करते। यहाँ पे एक बार आया, जब भी वो मेरे पास एस्ट्रो मतलब AWM देखा ना, साउंड सुना, वो वापस यहाँ पे पिक ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा हल्का सा इस साइड आता हूँ और यहाँ से मैं एंगल लेने की कोशिश करूँगा, बट वो बंदा वहाँ पर भी एंगल नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कुछ भी करके इस बंदे को नीचे लाना है। तो दस पे मैंने यहाँ पे आया तो और बंदे की यहाँ पे हल्का सा लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं आ रहा था। मैंने नेट कुक करता और फ़ौरन फेंक दिया तो ये वाली घर पे। बट वो बंदा काफ़ी समझदार था तो नीचे आ गया था। तो इसको मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो बट यहाँ पे देखो, मैं अपने गन रिलोड कर रहा था तभी मेरे को गाड़ी की साउंड आता है और पलटते ही भाई ये गाड़ी ने मेरे को कुछ चलती। तो गाइस यही था गेम प्ले, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हो तो करो।